हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? जैसे एल्कीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 दे देता है CH3 डेल्टा एच में निगेटिव एनर्जी इज रिलीज, है ना? एनर्जी इज रिलीज, क्यों रिलीज हो रहा है? एज वीक पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, एंड स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। ऐसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में एल्कीन को H2 दोगे तो एल्केन बन गया था, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी तो कम लगी, बट वो सिग्मा बॉन्ड बना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। ऑयली सब्सटेंस जो है वो तुम्हारा अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट हो गया, सैचुरेट हो गया उसका सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसमें ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो सिग्मा बॉन्ड बना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? जैसे इसका मान लो कि एनर्जी आता है 28 किलो जूल, तो प्रोपीन लोगे तो एनर्जी उससे कम आएगा। मान लो कि ये डेटा मैं तुम्हें दे दूं कि कुछ एक्स किलो जूल है, 28.6 किलो जूल के करीब आता है। चलो कोई रियल डेटा ले लेता हूँ, माइनस या छोड़ो, एक्स किलो जूल पर मोल ऐसे आता है, राइट? तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इससे क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CH3, यहाँ भी तो एक पाई बॉन्ड गया ना, तो डेल्टा शुड बी व्हाट, उतना ही होना चाहिए एक्स किलो जूल पर मोल। बट वह एक्चुअल में जब हम ले लेते हैं इसे C3H6, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? उसका हाइब्रिड, वो तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा ना। इसके साथ H2 को लोगे तो बनेगा तो वही प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3, बट डेल्टा एच जो होता है रिलीज होता है वो एक्स किलो जूल ना होकर वाई किलो जूल आता है, एंड जो एक्स इज व्हाट ग्रेटर देन वाई, ऐसा हो जाता है। मतलब पहले में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, सेकंड में कम रिलीज हुआ। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये उसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर में तो इतना ही रिलीज होना चाहिए था, बट एक्चुअली यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो क्या रीजन हो सकता है इसका, है ना? राइट, वो देखते हैं हम लोग। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इसके कारण होगा, राइट? एक क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं कि किसका डेल्टा एच ज्यादा होगा। मतलब ये जो हम लोग ले लेते हैं ग्राफ, और ये हो जाता है CH3, डबल CH2 प्लस H2, और मान लो यहाँ पर प्रोपेन बन जाता है CH3 CH2 CH3। हाँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, थ्योरेटिकल तो हो गया कि जितना इथीन का होना चाहिए उतना ये प्रोपीन का होना चाहिए, बट रियल प्रोपीन ऐसा लेकर आ जाता ना, बट रियलिटी में प्रोपीन जो हम लोग मिलता है वो ये वाला मिलता है, डॉटेड वाला बनता है, ये मिलता है ना, ये रियलिटी है। ऊपर वाला तो एक इमेजनरी स्ट्रक्चर है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इससे लाओगे तो ये इधर आ गया, फिर तो ये था एक्स किलो जूल, इतना आना चाहिए था, बट आया कितना? ये तो बराबर लाइन पे आ रहा है, एक काम करो, इसको थोड़ा सा नीचे करना है मुझे, ये जो होगा इससे क्रॉस करते हुए यहाँ पे आ गया,
एक्सपेरिमेंटली ये एक्स आना चाहिए था, बट ये आया कितना, वाई। क्यों आया? क्योंकि मॉलिक्यूल उतना स्टेबलाइज है, कितना स्टेबलाइज है, रेजोनेंस एनर्जी से ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। जैसा थर्मोडायनेमिक्स में रेजोनेंस एनर्जी के समय थोड़ा मैंने बताया था कि हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल में एक्स किलो जूल आना चाहिए, बट रियल मॉलिक्यूल में वाई किलो जूल आता है, थोड़ा कम आता है। एक्स किलो जूल मान लो 28 किलो जूल है करीब, और इसमें प्रोपीन में आता है 26 किलो जूल, रेस्ट 2 किलो जूल कहाँ गया, वही उसकी रेजिनेंस एनर्जी थी ना। तो ये जितना स्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल जो हाइब्रिड होगा, ये पार्ट जितना स्टेबल होगा उतना नीचे आएगा, तो क्या होगा, ये लेवल उतना ही कम होता जाएगा ना एनर्जी का, एनर्जी रिलीज विल बी लेस। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली रिलेटेड टू द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या किसी का भी हीट, जो सब्सटेंस ज्यादा स्टेबल हो वो बहुत कम एनर्जी देगा, जो अनस्टेबल सब्सटेंस है जैसे एक्सप्लोसिव वही ज्यादा एनर्जी देते हैं ना। इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, है ना। तो जो जैसे एनुलिन 4 ले लो तो हाईली अनस्टेबल हो तो सबसे ज्यादा एनर्जी देगा और तेज रिएक्ट भी करेगा। तो जो अनस्टेबल कंपाउंड है जैसे एक्सप्लोसिव फास्ट रिएक्ट भी करते हैं, एनर्जी भी ज्यादा देते हैं, जो स्टेबल कंपाउंड है वो स्लो रिएक्ट करेंगे, है ना, और एनर्जी भी कम रिलीज करेंगे। ये बताया था मैंने उस समय थर्मोडायनेमिक्स में, हाँ। स्टेबिलिटी पे आ जाएगी बात। अब बताओ जो ज्यादा स्टेबल होगा, पूछे डेल एच हाइड्रोजिनेशन, तो स्टेबिलिटी का उल्टा करते जाना, और कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी निकालना तो मालूम है तुम्हें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इसमें नो अल्फा CH, इसमें 6α CH, इसमें 6α हाइड्रोजन, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, राइट वाला ना, तो स्टेबल हो गया था, कम रिलीज करेगा एनर्जी, हाँ, तो ज्यादा रिलीज फर्स्ट में होगा। मोस्ट रिएक्टिव भी वही होगा, क्योंकि लेस स्टेबल है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो जो स्टेबिलिटी का टेबल था उसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम। ओके, इसको अब डेलेज हाइड्रोजनेशन की बात करें हम लोग। तो जो अनस्टेबल होगा उसका डेलेज हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, जैसे ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें एंगल स्ट्रेन होगा, मतलब ये सब इतने फेमस क्वेश्चन है कि बाद में तुम्हें लर्न हो जाएंगे नोट्स करने के बाद, हर जगह देखोगे वही आ रहे हैं, वर्ड मर्सन में दिया हुआ था, हर जगह कॉपी करता हूँ। तो इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन कितना होगा, SP2 हाइब्रिडाइज है तो 120 डिग्री होना चाहिए, बट एंगल कितना है, 90 डिग्री ना, तो 30 डिग्री का स्ट्रेन है इसमें, और यहाँ एंगल स्ट्रेन जीरो होगा, तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन फर्स्ट का ग्रेटर होगा देन सेकंड। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जितने पाई बॉन्ड होंगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी। एक कंपाउंड में एक ही पाई बॉन्ड है तो 28.6 किलो जूल में बोल रहा था उतना रिलीज करता है, 28.6 किलो जूल रिलीज करेगा, राइट। अब तुम डाई में ले लो तो दो हो गया तो डबल होगा ना, हाँ, तो दो आइसोलेटेड ले लें तो कितना आ जाएगा इसका, इसका डबल आना चाहिए, हाँ, तो ये 57.2, बट ये दो रेजिनेंस में आ गए, ये डेटा नहीं लर्न करना है, 28.6 57.2, ये रेजिनेंस में आ गया तो क्या होगा, स्टेबल पड़ गया, इसमें एनर्जी रिलीज कम होगी, 55 ही रिलीज होगी,
है ना। और जब बेंजीन की बात करें हम लोग, इसमें तो तीन तीन डबल वन था, एक्सपेक्टेड था 28 × 3 मतलब 85 के आसपास आना चाहिए, बट इसका बहुत कम आता, 49.8 किलो जूल आता। ये क्या है, एनर्जी रिलीज्ड। हाँ तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, तो होना चाहिए था 3 × 28.6 बट वो 49.8 ही रिलीज किया है ना, तो रेस्ट क्या हो गया, रेजोनेंस एनर्जी ना। वो कंसेप्ट उस समय बताया था, फिर भूल गया होगा, सब भूलते हैं, डोंट वरी। इधर 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 यदि ये बेंजीन है और 3H2 से रिएक्ट करे तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा यहाँ जाके, साइक्लोहेक्सेन है ना। वो रिलीज करना चाहिए 3 × 28.6 राइट। तो रिलीज कितना कर रहा है, 49.8 किलो जूल, यही हुआ ना। तो रेस्ट इज द रेजिनेंस एनर्जी। सोच लो अभी ये हम लोगों ने किया था उस समय थर्मोडायनेमिक्स में, बट भूल तो गए होगा सब। अभी इसमें डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड कैन आस्क कि क्या है। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं, इट इज ऑलवेज निगेटिव। एनर्जी रिलीज्ड मैंने लिखा, एनर्जी रिलीज मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे, कितना एनर्जी रिलीज हुआ। यदि एनर्जी रिलीज करके नहीं लिखना होता तो डेल्टा एच में सबका माइनस लिखता, डेल्टा एच इज -28.6, डेल्टा एच -55.5 ऐसे, बट माइनस नहीं, जब सिंस मैंने लिख दिया एनर्जी रिलीज तो ऐसे ही होगा। देख ले क्वेश्चन आएगा ही फिर से। हाँ अनुष्का बोलो। चार फिगर्स में सेकंड और फर्स्ट वो रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, सेकंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट रेफरेंस हो गया कि एक डबल बॉन्ड का 28.6 होता है, ओके, तो दो डबल बॉन्ड हो गया तो उसका डबल आएगा 57.2 है ना। हाँ बट तीन वाले में रेजोनेंस आना स्टार्ट हो गया, रेजोनेंस आ गया तो कितना आ गया, थोड़ा कम एनर्जी रिलीज किया, स्टेबल हो गया। ओके एंजीन में तो एरोमेटिसिटी आ गया और वो इतना स्टेबल हो गया कि एक्चुअली आना चाहिए था 3 × 28.6, ये कितना आना चाहिए था थर्ड वाला 57.2, बट आ रहा 55, रेस्ट रेजोनेंस एनर्जी में चला गया। यहाँ भी 85 से 49 पे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 35 तुम्हारा जूल चला जा रहा है रेजोनेंस एनर्जी। ओके इतने कम स्टूडेंट के आज, सबका आगे गया 11th 12th, कितने लोगों का कोई चांस आगे कैरियर बनने का, ऑर्गेनिक ही मिस कर दिया पूरा उन्होंने। ऑर्गेनिक गया तो सब चला गया, खत्म हो गया। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हम लोग का हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबसन। तो ये तुम्हें याद होगा या एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या था, 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करने पे जो एनर्जी मिलता है उसको बोलते हैं ना। हाँ तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना तुम कोयला जलाओगे उतना एनर्जी मिलेगा, यही होगा ना। 1 मोल में जितने एटम्स होंगे सबके सब CO2 में कन्वर्ट होंगे, तो डेल्टा एच कंबसन की हम लोग बात करें मतलब एनर्जी रिलीज पर मोल, यही डेफिनेशन था ना। तो साइक्लोप्रोपेन, ये वहां भी बताया था शायद मैंने, इज ग्रेटर देन साइक्लोब्यूटेन क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है, देन साइक्लोपेंटेन देन साइक्लोहेक्सेन, ऐसे होगा ना।
अब कैलोरीफिक वैल्यू पूछे, कैलोरीफिक वैल्यू वो क्या था, पर ग्राम ना, डेल्टा एच कंबसन बाई मोलर मास, मतलब ये हो गया कैलोरी या जूल पर ग्राम। तो पर ग्राम कौन सा ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, अब तो यूनिट मास ही लेना है, जिसका मास ज्यादा था उसने ज्यादा एनर्जी दिया, जिसमें ज्यादा स्ट्रेन हो यही है ना, तो मोर स्ट्रेन किसमें पड़ रहा तुम्हारा, उल्टा पड़ जाएगा ना साइक्लोप्रोपेन, ऐसे एंगल स्ट्रेन। अब 1 ग्राम साइक्लोप्रोपेन ले लो, 1 ग्राम साइक्लोब्यूटेन ले लो, तो ऐसे हो गया, बट पर मोल लेते तो बात अलग था, डेल्टा एच कंबसन क्या था, ये तो कैलोरी पर मोल था ना, 1 मोल लोगे तो 1 मोल का मास जिसका ज्यादा होगा उसका होगा, क्लियर। ओके हाँ, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड का फ्यूजन होगा तो 2 पार्ट में होगा, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, है ना। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसको बॉन्ड फ्यूजन बोलेंगे, 2 टाइप का होगा। बॉन्ड कौन कौन सा होता है, HCl, Cl मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यही दो होता है ना। तो जब हम लोग बॉन्ड ब्रेक करें, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करें, मतलब 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करें, नेम से ही क्लियर है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन मतलब जैसे एच और एच है, एच एच है, उसको एच न्यू के साथ करोगे तो 2H रेडिकल आएगा, ये एच रेडिकल में आ गया ना, एच न्यू, और इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड दे दो, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा, 2000 से 3000 5000 पे जाके पूरा ब्रेक हो जाता है ना। हीट दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, लाइट दे दो, पेरोक्साइड रेडिकल, ऐसे। अब CH3 है, होमोलिटिक मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच से ब्रेक हो जाए ऐसे, इसमें भी क्या होगा 2 मोल CH3 ना, ऐसे आ गया। अब HCl है, होमोलिटिक मतलब बीच से ब्रेक होगा, किसमें, H रेडिकल और Cl रेडिकल, इसमें रेडिकल बनता है, इसके लिए क्या क्या होगा, हेल्पर की जरूरत पड़ती है, HClPr, ये सब होमोलिटिक फ्यूजन करेंगे। तुम हीट करोगे, होता क्या है कि दोनों एटम धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करते करते ये दोनों वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन बढ़ते जाएगा, और बहुत ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ते फाइनली ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा बीच से। तो जब तुम हीट दोगे तो वाइब्रेशन बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ते बढ़ते हीट करने पे कोई भी सॉलिड एक्सपैंड कर जाता, क्यों, ये वाइब्रेशन तो हमेशा था इधर से इधर, ऐसे था ना, कुछ एक्सेप्शंस भी है, ऐसे वाइब्रेट करते करते जब तुम हीट करोगे तो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूल का ये वाइब्रेशन बढ़ जाएगा इधर से उधर, तो वही एक्सपैंड कर जाता है सॉलिड। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सपैंड करते हुए ब्रेक हुआ था, हीट, हीट का दूसरा फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट दे दो, यूवी वगैरह, पेरोक्साइड दे दो, वो खुद फ्री रेडिकल है ना, और ये रेडिकल दे दो, तभी होगा ना। और हेट्रोलिटिक मतलब क्या हो गया, 2 डिफरेंट पार्ट ब्रेक करना, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन मतलब प्लस माइनस ब्रेक हो जाना, हेट्रोलिसिस है ना, इसमें कार्बो कटायन कार्बन आयन ऐसे फॉर्म होगा, जैसे तुमने HCl दे दिया और इसको हीट मत करो, वाटर दे दो, HCl को वाटर में डालने पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है H प्लस और Cl माइनस, तो बॉन्ड अनइक्वल ब्रेक हुआ ना, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकल गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी, तो हेट्रोलिटिक हो गया, होमोलिटिक नहीं हो गया, इक्वल इक्वल नहीं रहा,
राइट। अब सी एस थ्री सी एल है, इसको पोलार सॉल्वेंट दे दो तो ये सी एस थ्री प्लस और सी एल माइनस है, इसमें क्या बन जाएगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से क्या बनेगा? कार्बोकटायन, कार्बन आयन, और यहाँ पे क्या बन गया? फ्री रेडिकल होमोलिटिक में, है ना। तो इसमें पहले वाले फ्री रेडिकल, बाकी दोनों में कार्बोकटायन कार्बन है। हाँ सोच लो ये पॉइंट, ओके क्लियर है सब, राइट। अब देखते हैं इससे क्या हो जाएगा। हाँ तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? HCl को फ्री रेडिकल ब्रेक करना और पॉजिटिव निगेटिव में, जो पॉजिटिव निगेटिव में तुम ब्रेक करोगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? प्लस माइनस में भी तो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है ना, वो एनर्जी एक्स्ट्रा तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? तो पहला होता है, फर्स्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर। पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेना, तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे सीओ का ग्रेटर देन सीओ टू देन कार्बोनेट, ऐसा है ना इसका। ये सिंस हम लोगों ने कर लिया है केमिकल बॉन्डिंग भी किया था ना, इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर SO2, SO2 का बॉन्ड ऑर्डर सल्फर ऑक्सीजन का टू, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन, ये दो एग्जांपल किया था। SO3 टू माइनस वही फोर बाई थ्री और SO4 टू माइनस, और SO3 2 माइनस 4 बाई 3, ये था ना रेजिनेंस से। ओके तो बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसमें उतना रेजिनेंस नहीं आया, बट यही चीज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CHCl ऐसे आ जाए तो इसमें कंजुगेशन ज्यादा हो गया ना, तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? राइट वाले की ज्यादा होगी, यही होगा ना। CH2 double bond CHCl और इससे ज्यादा क्लोरोबेंजीन का होगा, ये दोनों ये ले लोगे तो। CH3CONH2 और H2NCONH2, इसमें बताओ बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है? ये बॉन्ड फर्स्ट ग्रेटर है कि सेकंड? एक्स और वाई, y greater than x,
इसमें क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग माइनस एन है ना, स्ट्रॉन्ग माइनस एन। जब इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेगा तो मोर डीबीसी विल बी देयर, इसमें क्या आ जाएगा मोर डीबीसी। और ये क्या हो गया, वीक माइनस एम, अमाइड वीकेस्ट वाला था ना, क्यों वीक था, क्योंकि इसको सैचुरेशन मिला हुआ है तो इतना ज्यादा विड्रॉ नहीं करेगा वो, लेस डीबीसी। मोर डीबीसी किस में आ गया, फर्स्ट में, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड ना। ओके इसमें और सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू किसका होगा, तुम्हें इसका बॉन्ड एनर्जी बताना है, इसका और इसका। ए ग्रेटर देन बी, यस बी ग्रेटर देन ए। बी में डीबीसी है कंप्लीट, ये डबल बॉन्ड है, और इसमें ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा तो सिंगल बॉन्ड आने लगा ना, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और वो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड है। ओके तो एक तो हो गया ये, ठीक है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा जब बॉन्ड ऑर्डर से मालूम चल जाए, एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, इतना ही किया अभी, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे चले जाना, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का क्या होगा, एसपी की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन एसपी टू देन एसपी थ्री, मतलब sp sp greater bond energy than sp2 sp then sp3 sp ऐसे ना, या sps greater than sp2 s then sp3 s ऐसे। अब तुम्हें बॉन्ड एनर्जी बताना, जैसे h2 c डबल बॉन्ड ch ch तो ये तो तुम आराम से बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री, तो ये एक्स वाई डबल इस तरह से बॉन्ड एनर्जी ए बी एंड सी एंड डी, तो सी की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होती देन ए देन बी, इसमें क्या आएगा डी बी सी आएगा ना, और इसमें भी डीबीसी बट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, सी एस थ्री का हाइपर कंजुगेशन आएगा ना, वो उतना स्ट्रांग पड़ेगा नहीं, और इसमें डीबीसी ड्यू टू रेजिनेंस होगा बी वाला, बी में डबल सिंगल ट्रिपल है ना, तो उसमें रेजिनेंस से डीबीसी आएगा, और लास्ट वाले में जो सी एस थ्री होगा उसमें डीबीसी आएगा ड्यू टू वॉट हाइपर कंजुगेशन, तो उतना स्ट्रांग नहीं रह सकता। ए बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा हो गया,
ओके बोलो अनुष्का बताओ। वो पिछले वाले एग्जांपल में डीबीसी व्यू तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे आएगा? CH3 अपना हाइपर कंजुगेशन शो करेगा ना विद अनसैचुरेटेड कार्बन, तो हाँ शिफ्टिंग करते हो ना, कैसे शिफ्टिंग करते हो, ये हाइड्रोजन है तो इसको ऐसे शिफ्ट करोगे, ये इधर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है ना। थैंक यू सर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ये बॉन्ड एनर्जी क्या देखें हम लोग, तो ये सब सिंगल बॉन्ड है अभी राइट, बट ये किसका है, ये sp2s और ये है sp3s और ये sps, तो किसका ज्यादा होगा, sps ग्रेटर होगा ना, मतलब सी का ग्रेटर होगा बॉन्ड एनर्जी देन बी देन ए, sp मोर sp, हाँ सी ए बी राइट, सी बी ए, हाँ सी ए बी राइट, ए में sp2 है ना और बी में क्या हो गया sp3 है, तो sp ग्रेटर आता है, करेक्ट बोल रहे तुम, हो गया सी ए बी, इसमें sp के साथ ऐसे इसकी एनर्जी ज्यादा होगी देन sp2s देन sp3s, क्लियर। ओके हाँ देखते बोलो। नहीं सर, एक्चुअली मुझे डाउट था बट वो क्लियर हो गया। ओके अब यहां से एक क्वेश्चन बता दो कि ये, हाँ थर्ड एक और आएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन से भी नहीं हो तो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जिसका स्टेबल होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा तुरंत पे, जैसे CH3 CH3, अभी दोनों sp3 sp3 है, CH3 CH2 sp3, अब ये दोनों को ब्रेक करेंगे तो यहाँ 2 मोल CH3 बनने वाला, इसको ब्रेक करोगे तो अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी सेम पड़ गया है, तब हम लोग देख रहे हैं CH3 CH2 रेडिकल और यहाँ क्या बन गया CH3 रेडिकल, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि मोर स्टेबल है ना, तो इसका फ्री रेडिकल मोर स्टेबल हो रहा है उसकी, वो इसके लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए, आराम से ब्रेक हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट में एनर्जी ही नहीं है ना, वो स्टेबल बनता है, तो तुम्हें ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्स ग्रेटर देन वाई, जिसमें स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जैसे कि CH3 CH3 ये 3 डिग्री है, ये भी sp3 है, इसको ब्रेक किया और एक CH3 CH के साथ H, एक बार इसको ब्रेक किया और एक बार CH3 CH2 के साथ H, एक बार इसको ब्रेक किया, ये X किलो X, इसमें Y, इसमें Z, तो बॉन्ड एनर्जी किसके ज्यादा होगी, 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 डिग्री विल बी हाइयर, वो जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा, देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, 3 डिग्री का फ्री रेडिकल स्टेबल होने वाला है, CH3 थ्राइस सी रेडिकल बना तो इसको 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल हो रहा है, तुरंत ब्रेक होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन तुरंत ब्रेक होगा, 2 डिग्री जल्दी ब्रेक नहीं होगा, 1 डिग्री तो एकदम ब्रेक होना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इन तीनों को में से किसी एक को ब्रेक करना है। ओके हाँ तो बॉन्ड एनर्जी ZYX ऐसे लिख दोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, इस पे क्वेश्चन बनाओ, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर देखना, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये एक बहुत फेमस वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर बुक में गिवन भी है और पूछते भी हैं, तुम लोग भी पूछेंगे पूछेंगे ये क्वेश्चन, ऐसे हो गया
यहाँ पे एक दे दें एच ए, बहुत कंसेप्चुअल लगेगा तुम्हें सॉल्व करने में, सोचना पड़ेगा मतलब, है ना। और यहां से CH2, ये एच पी ले लो, यहाँ के हाइड्रोजन को एच सी कर दें और यहाँ को एच डी कर दो, यहाँ को एच ई कर दो। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कैसे करेंगे, सोचो, 2 मिनट टाइम लो, सोच के बताओ ऑर्डर। ये बहुत आता है, बहुत हार्डली किसी का राइट आएगा ऐसा।
ओके अटेम्प्टेड देखें ए ई बी डी सी ए ग्रेटर देन ई देन बी देन बी सी ए सी डी बी बी ए डी सी ई बी ए सी डी ए सी ई डी बी सबके आंसर अलग आ रहे हैं तो इसका फैक्टोरियल फाइव मतलब कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन 120 रिजल्ट आ सकते हैं सब 120 तुम लोग तो हो भी नहीं तो सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। चलो पहले देखो कि डबल वन करेक्टर था सी एच में कोई चांस ही नहीं डीएसपी टू एस ए हाईएस्ट होगा रेस्ट ए बी इधर है रेस्ट एसपी थ्री एस है ना तो एसपी थ्री एस में एचपी पे जाओगे तो जिसका फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रहे उसकी एनर्जी कम होगी जैसे फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाए तो स्टेबलाइज बाई वॉट यहाँ पे और कुछ था सी एस थ्री था स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस प्लस टू अल्फा हाइड्रोजन यही होगा ना और वही फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाए ई हटा दिया जाए ई हटाओगे तो इसकी स्टेबिलिटी का रेजोनेंस तो नहीं आया फोर अल्फा हाइड्रोजन आ गया तो रेजिनेंस किस केस में आएगा केवल दो केस में सी और डी ए सी ई डी बी यहाँ फ्री रेडिकल आ गया तो थ्री डिग्री है ज्यादा स्टेबल होगा रेजिनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा तो इसकी एनर्जी लोएस्ट आएगी फिर ये होगा ना इसमें रेजिनेंस भी है प्लस अल्फा सी एच कितना हो गया थ्री प्लस टू ओके फाइव अल्फा है हाइड्रोजन है ना लास्ट वाले क्या कर दें हम लोग ये तो वन डिग्री है इसको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला वन अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ तो जो सबसे अनस्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी तुरंत ब्रेक होगा तो सी तुरंत ब्रेक होगा क्यों उसका फ्री रेडिकल स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस प्लस फाइव अल्फा से उसके बाद डी तो डी की भी एनर्जी कम होगी दोनों स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है डी और सी तो मोस्ट अनस्टेबल कौन सा होगा इसमें बी को हटाओगे तो वो जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा क्योंकि अनस्टेबल बनने वाला वन अल्फा हाइड्रोजन देन ई ए बी डी सी राइट आंसर था किसी का किसका है ए बी ई डी सी सोहम केवल डी और बी में रॉन्ग था ए बी ई डी सी अगस्त का करेक्ट था राइट ए बी ई डी सी ए बी ई डी सी और किसी का भी करेक्ट था सर ये भी आर्यन बस ई और बी को चेंज करने पर आंसर आ जा रहा तुम्हारा ए बी ई डी सी ठीक है तो ये क्वेश्चन आएगा ही ध्यान रखना ये हर बुक में दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट वाला सर जैसे रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर वैसे ये सब लर्न हो जाते हैं ओके क्लियर है सबको अनुष्का बोलो मुझे फर्स्ट और थर्ड में समझ नहीं आया फर्स्ट और थर्ड नहीं समझ पाया मतलब CH3 और वो फ्री रेडिकल है उसमें फर्स्ट और थर्ड कौन सा CH फर्स्ट जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना प्लस टू अल्फा हाइड्रोजन लिखा है ये लिखा है ना रेजोनेंस प्लस टू अल्फा तो ये डी को यदि तुम ब्रेक करोगे तो ये बनेगा ये कब बनेगा इफ एच डी इज ब्रोकन है ना कार्बन एच डी बॉन्ड इज ब्रोकन तो जब उसको डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा वो ये फ्री रेडिकल आएगा ना यहाँ से यहाँ पे क्या किया मैंने हटा के फ्री रेडिकल बना दिया तो ये जो फ्री रेडिकल आएगा इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस क्योंकि डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ना और ये दो अल्फा होगा इधर ये यही दो अल्फा हाइड्रोजन है ना जो स्टेबल कर रहा है और इसको फोर अल्फा हाइड्रोजन स्टेबल कर रहे हैं ये और ये वाला क्लियर यस थैंक यू सर ये पार्ट हो गया अपना नेक्स्ट अब रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या हो गया कार्बोकैटायन कार्बन आयन हाँ तो अब बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट
जो पूरे ऑर्गेनिक में गवर्न करेगा। अभी तो थोड़ा कम क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी एक दो क्वेश्चन तो होंगे, है ना। पहला हो गया कार्बोकैटायन, जिसका थोड़ा बहुत ब्रीफ मैंने दिया था कैसे था कार्बोकैटायन कैसे था। ये सी हो गया, जैसे यहाँ पे इस तरह से इधर वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, sp2 प्लेनर वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसे बनेगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर सकता है, ये क्या है लुईस एसिड, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये हो गया कार्बोकैटायन का। तो इसमें सबसे ज्यादा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा प्लस एम, क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट करता, ऑक्टेट कंप्लीट, उसको ऑक्टेट चाहिए, तो ऑक्टेट देने वाला सिर्फ यही है, बाकी किसी में नहीं आएगा। इसके बाद आएगा डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, देन आ जाता है एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल है बट उससे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस है, देन फिनाइल रेजोनेंस, मतलब जितना बेंजीन ग्रुप लगा रहे ऐसा, देन अलाइल, देन अल्काइल, ऐसा। तो ऐसा कैसे हो जाता है देखो, तो प्लस एम ग्रुप ज्यादा स्टेबल क्यों करता है, जैसे प्लस एम CH2 प्लस NH2, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, क्यों, ये स्टेबल करेगा तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है दोनों का, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। किसी और में तुम बनाओगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, राइट। जैसे ए हो गया, अब बी में दोगे तो जब ये CH2 प्लस है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये डोनेट करेगा ऐसे तो इसका खुद का ऑक्टेट गया ना, वो एरोमेटिक है, वो अपना एरोमेटिसिटी क्यों लॉस करेगा, तो बहुत कम स्टेबल करता वो, 6 इलेक्ट्रॉन तो रह गया, वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, वही हुआ था, स्टेबिलिटी तो नहीं आ रही है ना, हम बस चार्ज डीलोकलाइज हो गया, मतलब प्लस एम जैसे स्टेबिलिटी नहीं आ रही, इसलिए फिनाइल रेजोनेंस कम हो जाता है, अलाइल रेजोनेंस और भी कम होगा, ये तो कम से कम कुछ ऑर्थो से पैरा पैरा से ऑर्थो चारों हो जाएगा, और अलाइल रेजोनेंस मतलब अलाइल ही किया था ना, इसमें केवल दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, A greater than B than C ना, प्लस एम सबसे ज्यादा, देन फिनाइल, देन अलाइल। अब ये डांसिंग रेजोनेंस क्या हुआ देखें, एरोमेटिक इसके बीच में आ जाता, कोई भी एरोमेटिक प्लस ले लो जैसे इधर वाला, तो इधर आ जाएगा ए बी सी, इसको डी करते हैं तो डी बीच में आ जाएगा, प्लस एम के बाद डांसिंग रेजोनेंस वो बाद में देखते हैं, उसके बाद एरोमेटिक, तो ए ए प्लस एम हो गया, देन एरोमेटिक टी, देन बी, देन सी, ए डी बी सी, हाँ। इस ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है, कैसे ऑर्डर लिखेंगे हम लोग,
नो डाउट क्लियर हो गया. ओके ठीक है, तो ये पार्ट नेक्स्ट में करें हम लोग. स्टेबिलिटी के लिए डांसिंग रेजिनेंस कौन सा है? डांसिंग रेजिनेंस क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन. साइक्लोप्रोपाइल हो गया, साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसमें डांसिंग रेजिमेंट आता है. इसमें रेजिनेंस कैसे होगा, इसको हम लोग इधर दिखाते हैं. ये क्या हो जाता है यहां से, ऐसे कि इधर देखो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड ऐसे प्लस चार्ज, नेक्स्ट में CH2 डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ प्लस चार्ज. हाइब्रिड लोग तो कैसा होगा, इस तरह से ये बॉन्ड तो रहा ही, ये दोनों का बॉन्ड गया और यहाँ पे CH2 ऐसे हुआ ना, तो इस पे भी डेल्टा प्लस रहा, वो प्लस यहाँ पे भी आया, ये प्लस यहाँ पे भी आया. ये डिलोकलाइजेशन हुआ क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ना इसमें हाई एंगल स्ट्रेंथ, ये 60 डिग्री होगा ना, तो हाई एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन चेंज करने के लिए अपना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट SP5 में चला जाता है. बेंट्स रूल है ना, तो ये ऑलमोस्ट लाइक प्योर ऑर्बिटल है, ऑलमोस्ट लाइक प्योर पी ऑर्बिटल. पी कैरेक्टर कितना हो गया SP5 में, पी कैरेक्टर 5p ऑर्बिटल आउट ऑफ 1s, तो 5 आउट ऑफ 6 × 200 ना, तो करीब करीब 84%. तो उसे प्योर p है, तो p तो रेजिनेंस में जाता ही है, तो उसी को रेजिनेंस में जाते दिखा रहा हूं. ये सिर्फ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन होगा तो होगा, और सब किसी में. तो एंगल स्ट्रेंथ से बचने के लिए वो क्या करता है, पूरा कंप्लीट डिलोकलाइजेशन जाना स्टार्ट होता है. इसके लिए इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होती है. SP5 लाइक हाइब्रिडाइजेशन. SP5 नहीं याद है तो एक बार बेंट्स रूल पढ़ लेना, क्या था वो बेंट्स रूल. ये हो गया डांसिंग रेजोनेंस. इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, डांसिंग रेजिनेंस क्लियर हुआ, किस फॉर्म में होगा, तो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, किसका रेजिनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, CH2 प्लस NH2 CH2 प्लस ऐसे दे देंगे, तीन तीन डांसिंग रेजिनेंस दे दिया, अब बताओ. तो ये इधर क्या होगा, ये प्लस एम से स्टेबल करेगा, दिस इज स्टेबलाइज बाय व्हाट, डांसिंग रेजोनेंस, तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी.
देन डांसिंग रेजोनेंस, इसको पूरा सीरीज एक बार लिखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सी एच टू प्लस एन एच टू ये मोर स्टेबल करेगा, देन अब यहाँ प्लस एम का ऑर्डर आ जाएगा सी एच टू ओ एच, राइट, जो जितना स्ट्रॉन्ग प्लस एम है वो होगा, देन डांसिंग रेजिनेंस पर आ जाओ, ये तीन रहे तो ज्यादा स्टेबल करेगा, देन दिस वैल्यू, देन वन वाला, देन अब एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट होगा। एरोमेटिक में भी ट्रोपिलियम ज्यादा स्टेबल करता है क्योंकि इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टू इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आता है सिक्स वाले का, है ना। एरोमेटिक आ गया, समझ में आया, प्लस एम डांसिंग रेजिनेंस देन एरोमेटिक देन फिनाइल रेजिनेंस आ जाएगा, जैसे तीन तीन फिनाइल है ये ज्यादा स्टेबल करेंगे, देन PHCH plus PH ऐसे, then PSCH2, but यहाँ पे एक exception आ जाता PSCH2 में, ये exception JE के book में तो है, वो मान लेते हैं कि proven है कि इसका stability ज़्यादा मिलता है, जबकि hyper conjugation है, then benzyl, benzyl carbo के time में जब ये stable कर रहा है तो इसकी aromaticity loss होती है ना, तो resonance हो के भी hyper conjugation से कम होता है, right? ये एक्सेप्शन है जो कि लर्न करना पड़ेगा, बट यही क्वेश्चन उन लोगों ने नीट में 2016 में दिया, सबने चैलेंज किया कि रिसर्च में तो 9 अल्फा हाइड्रोजन आया है कि ज्यादा स्टेबल होता है देन बेंजाइल, तो नीट वालों ने माना ही क्योंकि उनको केमिस्ट्री से मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन है एक्सपेरिमेंटल डेटा, ऐसा इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, बेंजाइल ज्यादा स्टेबल पड़ जाता है, बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल 9 अल्फा हाइड्रोजन पड़ जाता है, बट केवल पॉजिटिव चार्ज में, फ्री रेडिकल होगा तो ऐसा नहीं होगा, फ्री रेडिकल में बेंजाइल ही ज्यादा होगा, कार्बन आयन में बेंजाइल ही ज्यादा होगा, है ना, जैसे सी एस थ्री सी रेडिकल सी एस थ्री ये कर दोगे ये हाइपर कंजुगेशन है, इससे इसका कंपेरिजन नहीं, ये स्टेबल होगा ऐसा। हाँ तो यही इसके बाद क्या आ जाता है, देन अलाइल आ जाएगा, है ना, सी एच टू सी एच सी एच टू प्लस, देन वो सब आ जाएंगे सिक्स अल्फा वाले सी एच प्लस सी एच थ्री नाइन अल्फा, एक नाइन अल्फा ही तो हाइड्रो एक्सेप्शन पड़ रहा है, रेस्ट तो एजिटेज है ना, मतलब नाइन अल्फा वाला हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यही होता है ना, वो तो यहाँ से हटके कहीं और कर दिया, बाकी सब तो रिमेन सेम। ओके तो ये आ गया हम लोग का प्लस एम का ऑर्डर। अब इसमें आ गया कि मोस्ट अनस्टेबल क्या है, कुछ कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होंगे प्लस चार्ज, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होगा तो ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो मोस्ट अनस्टेबल जैसे कि ब्रिजहेड पर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा, क्यों ऐसे है तो ये स्टेबल है कार्बोकैटायन, और तुम इसको यहां से ला के यहाँ पे टाई कर दो तो बिल्कुल हाई स्ट्रेन आएगा ना, ब्रिजहेड पे प्लस चार्ज या डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है, राइट। तो इसको ऐसे हम लोग बना दे रहे हैं, यहाँ से इसको खींच के इधर ला दिए तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ गए, ये हाईली अनस्टेबल है, राइट। अब एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस होगा तो एस पी प्लस चार्ज, ये भी हाईली अनस्टेबल होगा, एच टू सी एच प्लस ये भी हाईली अनस्टेबल होगा, बेंजीन पर आ जाए तो ये भी डबल बॉन्ड पर प्लस चार्ज है ना, तो डबल और ट्रिपल और प्लस ब्रिजहेड पर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूरे ऑर्गेनिक में कई जगह यूज होगा कि इसलिए कहीं भी ये प्लस चार्ज ये बन रहा है ना इसी ये सब कंपाउंड पर, तो हम लोग इसे कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ कौन सा था प्लस एम, यहाँ से यहाँ कौन सा हो गया डांसिंग रेजिनेंस हो गया ना प्लस एम देन डांसिंग रेजिनेंस देन एरोमेटिक देन फिनाइल, तीन फिनाइल है तो ज्यादा स्टेबल करेगा, देन दो फिनाइल
वही फिनाइल रेजोनेंस देन अल्काइल रेजोनेंस। हाँ देख लो अभी। हाँ उसका बोलो। फ्री रेडिकल में बेंजीन वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? उसमें एक्सेप्शन नहीं है, वो तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा देन हाइपर कंजुगेशन। यहाँ एक्सेप्शन पड़ गया कि एक केस ऐसा है जहां हाइपर कंजुगेशन भी स्टेबल पड़ जा रहा है रेजोनेंस से, नहीं तो ये एक्सेप्शन नहीं है। रेजोनेंस में रेजोनेंस हमेशा हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? तो फ्री रेडिकल है या कार्बन आयन है तो ये सब तो रेगुलर जैसे है वैसे होगा कि ये रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होगा देन व्हाट हाइपर कंजुगेशन या जो भी आ रहा है ऐसे। करेक्ट। बट यहाँ पे ऊपर में एक्सेप्शन है, ये वाला पार्ट जो अभी लिखा था मैंने, कि हाइपर कंजुगेशन हो के भी रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। क्लियर? ये क्लियर हो गया? ओके। तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो के टाइम बताना होगा, तो बी ग्रेटर देन एनी सिंगल ग्रुप। बी बी कहाँ पे? कौन सा बी बताओ? सो हम क्या लिख रहे हैं? अच्छा पहले का था क्या? CH2OH वहां पे, इधर OH कहाँ है? द सेकेंड वन इनमें से मेरी हैंड रेज करो, नहीं समझ पा रहा। सेकेंड वन इसमें कौन सा? लास्ट वाला बोलो। अच्छा लास्ट में जो सेकेंड बोला कार्बन आयन वाला। हाँ बोलो। सर वो जो मेसोमेरिक इफेक्ट में सेकेंड है ना, CH+H2OH ग्रेटर देन C+H2NH2, तो वो नहीं समझ रहा था, बट समझ गया सर, अभी क्लियर हो गया। चलो समझ में आ गया ना जो भी है। हाँ मैं सेकंड ही ढूंढ रहा हूँ कि सेकंड कहाँ लिखा। अच्छा थैंक यू सर। ओके सर। ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट डाइसल्फाइड रेजोनेंस कर दिया, कार्बोकेटायन ऑन द ब्रिज हेड अनस्टेबल होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर अनस्टेबल होगा, राइट? अच्छा स्टेबिलिटी मुझे बता दो, ये ऑक्सीजन है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम लोग SN1E1 रिएक्शन पढ़ेंगे तो सब में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, तो कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसी को फॉर्म करना है। तो तुम्हें ये आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैलकुलेट करने कौन सा होगा। हाँ बताओ स्टेबिलिटी।
ओके इसमें क्या होगा, फर्स्ट होगा क्योंकि इसमें प्लस एम मिलेगा, प्लस एम सबसे रेस्टेबल करने वाला, राइट। ये लोन पे जब दिया तो ये प्लस एम से स्टेबलाइज करेगा, और इसमें माइनस आई ऑक्सीजन का काम करेगा, इसमें भी माइनस आई, इसमें भी माइनस आई, यही होगा ना, ये मोस्ट स्टेबल। देन माइनस आई जितना दूर रहे उतना अच्छा ना, सी देन बी, बाकी सब तो तुम्हें मालूम है, जैसे कार्बोकैटायन हो गया सी एच टू प्लस, इसके साथ एनओ टू दे दो ऑर्थोमेटन पर, आप बताओ क्या होगा, सी एच टू प्लस एट एनओ टू, मतलब ये सब बिना कॉपी पेन के बाद में हो जाना चाहिए। अच्छा ऑर्थो में ये इफेक्ट है, पैरा में ये है, मेटा में ये है, लिखना ना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि बेंजाइल के साथ एनओ टू ऑर्थोमेटन पैरा पे ऑर्डर बताओ, तो तुम्हें मन में सोच के कैलकुलेट करके बता देना, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ ऑर्थो एंड पैरा है, उसमें क्या होगा, माइनस एम होगा, इधर माइनस आई होगा, फिर ऑर्डर। हाँ करेक्ट आ रहा है सबका, ठीक है, ए तीन आंसर आए, तीनों करेक्ट दिख रहे, सी डी भी, क्योंकि इसमें माइनस आई है, डी स्टेबल करेगा। हाँ मतलब प्रैक्टिस सही हो रहा है, तो जिनका प्रैक्टिस कम वो सोचेंगे पहले कि माइनस एम है कि प्लस एम। उसके बाद भी वो इसमें अच्छा अभी याद आ रहा होगा कि मेटा में माइनस आई है, एस सी डी भी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का हुआ। नेक्स्ट में देखें, सी एच टू प्लस सी एच टू प्लस, यहाँ पे ओ सी एस थ्री, सी एच टू प्लस ओ सी एस थ्री, यहाँ भी सी एस टू प्लस ओ सी एस थ्री पैरा, मेटा एंड पैरा। अब बताओ क्या होगा। ओके अनुष्का, अगस्त, और हम इन लोगों ने बी से स्टार्ट किया था, पहले तो क्लियर होना चाहिए बी हाईएस्ट है, वो प्लस एम है, बाकी सब फिनाइल रेजोनेंस है। ये प्लस एम है ना, ये फिनाइल, वो बात अलग है कि ऑक्सीजन अपना इसके थ्रू देगा, फिनाइल के थ्रू, है ना, बट एरोमेटिसिटी तो लॉस होता है ना देने में इधर, ये सब फिनाइल रेजोनेंस कंसिडर होंगे, फिनाइल रेजोनेंस विद द बूस्टर ऑफ प्लस एम, माइनस आई प्लस एम, और वहां डायरेक्ट प्लस एम, तो बी ग्रेटर होगा, देन प्लस एम वाले आ जाएंगे। ए और डी में, बल्कि सी और ई में, सी में माइनस आई भी तो ज्यादा है ना, ई में माइनस आई कम है, तो बी ई देन सी, प्लस एम सेम प्लस एम, बट माइनस आई ऑफ ई ग्रेटर देन सी, माइनस आई ऑफ ई लेस देन सी। इसके बाद क्या आ जाएगा, देन ए ई सी ए, और कौन सा बच गया, डी ना, एंड देन डी, डी में माइनस आई भी है ना, फिनाइल रेजोनेंस सब में था,
जो बी होगा वो डायरेक्ट ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, डायरेक्ट ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। सोच लो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? बी में माइनस आई, बट वो तो नेग्लिजिबल होगा, ये डायरेक्ट ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना। और किसी भी फिनाइल एजेंट्स में बन रहा था, बेंजीन के लिए डोनेट कर रहा है तो उसका अपना ऑक्टेट खुद का जाता है ना, जैसे यहाँ पे ये वाला जैसे जैसे डोनेट करेगा तो ये इसका अपना कार्बोकैटायन एरोमेटिसिटी लॉस होता है। तो फिनाइल रेजिडेंस तो सबसे कम है, वीकेस्ट है, प्लस एम के सामने वो कुछ भी नहीं है। प्लस एम डांसिंग रेजिडेंस एरोमेटिक, तब जाके फिनाइल जो बेंजीन देगा, तो बेंजीन उतना ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता। यहाँ पे डोनेशन हाईएस्ट होगा, और ये तुम भूल लोगे प्लस एम माइनस आई, तो प्लस एम 10 लाख है तो ये माइनस आई 1 है। हाँ बताओ, 24 तो बी में माइनस आई है बट वो नेग्लेजिबल है, प्लस एम के सामने माइनस आई का कोई रोल नहीं, रेजोनेंस के सामने माइनस आई का रोल नहीं। क्लियर? ओके okay. समझ में आया? ओके okay. अब इसका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ उसका बोलो, बताओ। लास्ट पेज पे जो फर्स्ट एग्जांपल था फ्यूरन का वो क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा था? वो प्लस एम और दो माइनस आई इफेक्ट्स थे। अच्छा आ जाएगा, आ गया। हाँ फर्स्ट एग्जाम्पल की बोल रहे हो, बात है ना? तो फर्स्ट में दोनों माइनस आई है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? माइनस आई से स्टेबल करेगा, ये है ना, कार्बो हाँ कैटायन है। तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले गया था, कौन सा ज्यादा विड्रॉ करके ले ओके गया? बी में ज्यादा विड्रॉ करके हाँ ले गया था, ज्यादा मेटा नहीं। वाला। ठीक है। थैंक यू सर। अब फ्री रेडिकल की हम लोग बात करें, या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वो भी कर लें। नहीं वो है ही नहीं सर, ये कार्बोकैटायन है क्या? छोड़ो, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? वही तुम्हारा sp2, जैसे कार्बोकैटायन था इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे, इस तरह से, राइट? sp2 प्लेनर, जिसके स्टेबिलिटी में तो ये तो एरोमेटिक वगैरह तो आएगा, आएगा नहीं, जो भी आ सकता है रेजोनेंस आ सकता है। प्लस एम एक्सेप्ट करेगा नहीं, दो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, माइनस एम से भी इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी है फिनाइल रेजोनेंस है ना, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, मतलब एरोमेटिक फ्री रेडिकल नहीं हो सकता, मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट है। ओके तो वो करेंगे अभी हम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट पूरा ऑर्गेनिक चलता है, और वो शायद यहाँ पे ना दे इसलिए मैंने पहले ये कर दिया, तो उसको भी करेंगे कल, डिटेल में करना पड़ेगा वो। PHCH2 रेडिकल ऐसे हो ना, फिनाइल रेजोनेंस, देन अलाइल आ जाएगा, अलाइल में भी तो रेजोनेंस आ रहा है ना, देन हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा, CH3C रेडिकल, CH3C रेडिकल, देन CH3, CH रेडिकल, CH3, देन CH3, CH2 रेडिकल, देन CH3 रेडिकल।
देन कार्बन आयन, कार्बन आयन लोगे तो निगेटिव चार्ज होता है, यही होता है ना, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, जैसे कि सी एस थ्री माइनस, तो वैसा होगा यहाँ पे माइनस, ये होगा पिरामिडल। अब कार्बन आयन ऐसा हो गया विनाइल फिनाइल, ये सब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बोले, तो कार्बन आयन में तो एरोमेटिक आ सकता है, माइनस एम आ सकता है, तो माइनस एम सबसे रेस्टेबल करेगा, तो माइनस एम देन फिनाइल रेजोनेंस एरोमेटिक, देन फिनाइल अलाइल, देन हाइपर कंजुगेशन अल्काइल, जैसे उधर था प्लस सेम, उसमें डांसिंग रेजिडेंस एक्स्ट्रा था, बाकी सब तो वही ऑर्डर है ना, यहाँ माइनस सेम स्टेबल करेगा तो वहां पे प्लस सेम एरोमेटिक, देन फिनाइल अलाइल और अल्काइल, जैसे कि सी एच टू माइनस है सी ओ एच कर दो, तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा, ये ऐसे विड्रॉ कर लें तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला गया ना, सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ माइनस और एच, यहाँ फिनाइल का उतना ज्यादा रेजिडेंस नहीं आता, क्यों, इसमें निगेटिव चार्ज पे नहीं, कार्बन पे ही निगेटिव आएगा ना, ये माइनस होगा, ये करोगे तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, वो इस कार्बन पे ही आएगा, तो डबल बॉन्ड सी एच टू ऐसा, तो माइनस एम वाला जैसे सी एच टू एन ओ टू मोर स्टेबल है, वही सी एच टू माइनस सी एच ओ माइनस एम, देन फिनाइल ले लो एरोमेटिक ले लो, एरोमेटिक में क्या हो जाएगा ये नेगेटिव पे ही, कार्बन पे नेगेटिव रहेगा ना, ऐसा होगा सिक्स इलेक्ट्रॉन, देन फिनाइल रेजोनेंस पी एच सी माइनस पी एच ऐसा, देन पी एच सी एच टू माइनस इसमें एक ही फिनाइल है, देन सी एच टू डबल वन सी एच सी एच टू माइनस, देन सी एच थ्री सी एच टू माइनस, देन जितना अल्काइल ग्रुप होगा उसे उतना अनस्टेबल करते जाएगा, ये उतना ज्यादा अनस्टेबल करेंगे ना, तो इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा कार्बन आयन में। ओके चलो बताओ उसमें क्या प्रॉब्लम था जो भी बताया था, अब यहाँ से कल के लेक्चर में करेंगे, राइट, जो क्वेश्चन भेजा था 1 to 20, ये क्लियर है, ओके, तो कल ओवर कर देंगे हम लोग। बुकलेट हो गया सबका क्या, कितना परसेंट हुआ बुकलेट, हो गया पूरा हो गया, 90% आ रहे हैं, सोहम 30%, तुम इतने कम पे क्यों हो सोहम, एसिडिक पेसिकेशन का पार्ट हो गया, अरे तो बहुत लेट हो गए तुम, साथ में करना था ये तो कई कंसेप्ट भूल जाओगे तुम, हाँ इसको तुरंत तुरंत करना था आज की आज का आज, ये तो भूलते जाओगे फिर, ऑर्गेनिक तुरंत निकल जाता हाथ से, तो अब तक नहीं किया हुआ तो पहले अब उसका लेवल बंद कर लेना है मिस्टर वन का, क्योंकि सॉल्यूशन मिल जाएगा ना तब करना, ये तब तो बहुत सारे डाउट आ चुके होंगे, नहीं किया तो हाँ साथ में कर लेना था, तो वही डाउट कम आते थे, तो उसको ये जो मैंने पढ़ा है इस पे अटेम्प्ट करने जाओगे 4 दिन बाद क्वेश्चन कुछ नहीं आ जाएगा, जीरो हो जाता है, आज पढ़ाया आज का आज किया, जैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैंने पढ़ाई, और आज कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी क्वेश्चन करोगे तो आज होंगे, बट 3 दिन बाद चाहोगे कि कर लें तो नहीं होगा। ओके
वो बताओ जो अभी स्टार्टिंग भेजा था 20 questions, उसमें कौन सा डाउट है? टू थ्री फोर, 237, ओके ये एक्सरसाइज 6 था, ओके सेकंड देखो, सेकंड में हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जिसे एक्सपेक्ट करोगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड है। अच्छा तो इसमें क्या होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्यों? कंजुगेट बेस विल बी रेजोनेंस एस्टेबलाइज, CH2- NO2 होगा तो ये रेजोनेंस एस्टेबलाइज होगा, यही होगा ना। बट इसके दोनों साइड तुम दो दो NO2 कर दो तो इसका नेम हो जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसको मिथाइलिन तो बोलते ही हो, साथ में इसको क्या बोलोगे, एक्टिव मिथाइलिन। वो एक्टिव कैसे हो गया, क्योंकि उसके पास दो माइनस एन ग्रुप है तो ये एसिडिक होता है, इसके एसिडिकेशन ज्यादा होता था, एसिडिकेशन से क्या होगा ये CH- बन गया, तो दोनों साइड दो माइनस एम ग्रुप है ना जो इससे स्टेबल करेगा, तो जितना स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप होगा उतना स्टेबलाइजिंग होगा। तो फर्स्ट सेकंड की बात करें तो फर्स्ट में एस्टर इज द स्टेबलाइजिंग ग्रुप, तो क्या वो कंजुगेट बेस को इतना स्टेबल कर पाएगा, CH के साथ COR ले लो, COR ले लो, तो क्या इतना स्ट्रॉन्ग माइनस एम है क्या, ये दोनों वीक माइनस एम है ना, वीक माइनस एम, तुम्हें CH2 दो माइनस एम ग्रुप के बीच में होना चाहिए, और ये बी में करोगे तो हाँ यहां पर आ जाएगा दो सीओ के बीच में, तो इतने दोनों जगह जाएगा, ये कीटोन एक स्ट्रॉन्ग माइनस एम है ना, NO2 रहता तो और भी स्ट्रॉन्ग होता, CH3CO CH2, इसमें तो एक साइड कीटोन है और एक साइड क्या हो गया एस्टर हो गया, तो ये वीक और इधर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और ये वीक, और लास्ट वाला तो होगा ही नहीं, क्यों? ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड नहीं बनाते, ब्रिजेट पे डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज नहीं आ सकता, दैट इज नोन एज ब्रेट्स रूल, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन तुम हटा भी दोगे हाँ, तो ये माइनस चार्ज आ गया ना, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते, रिजेट पे डबल नहीं ला सकते। एसिडिकेशन पाउडर बोला जाए तो सबसे रेस्टेबल बी राइट, क्योंकि उसमें दो स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, देन सी एक स्ट्रॉन्ग एक वीक है, देन ए दोनों वीक है, और डी तो होगा ही नहीं, टू स्ट्रॉन्ग माइनस एम, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक माइनस एम, ये सब जो मैंने नोट्स भेजा उसमें है वैसे, वीक माइनस एम, ओके थर्ड आप बता दो, थर्ड के सी में देखो तो वहां तीन तीन माइनस एम ग्रुप है राइट, ए में तो दो माइनस एम था, बी में एक, थर्ड के सी में तीन माइनस एम ग्रुप है CH3CO के साथ, वो हाईली स्टेबलाइज करेगा, थर्ड के सी में देखोगे CH3CO सी पे माइनस COCH3 और COCH3, तीन और डिलोकलाइज होगा ना, ओके फोर्थ भी सेम कंसेप्ट है, जब तुम यहां पे जाओगे तो एस वाले के पास माइनस एम ग्रुप होता है, बताया था ना थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स माइनस एम होता है, तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल से स्टेबल कर सकता है, यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है ना, क्योंकि वर्क कर सकता है एज ए माइनस एम, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा राइट, और समय नहीं मिलता वो, तो डी से डी सबसे ज्यादा होगा, देन सी उसके बाद देखना होगा बी और ए,
फिफ्थ बताया ही था। अच्छा तुम लोग पूरा तो बोला ही नहीं तुम लोग, और कौन सा बोला था? वाई कैन नॉट आंसर बी बी? बी में तो एक ही सल्फर है, दो है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स का देखो ओएच के साथ सर है तो सिक्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किस में है पहले वो देख। टू में है, माइनस एम है, थ्री में है, फोर में है, टू थ्री फोर में माइनस एम, यही है ना। और फाइव में वो केवल माइनस आई का वर्क करेगा, क्यों? कैसा यार, बताया था NO2 आउट ऑफ प्लेन जाएगा, NO2 आउट ऑफ प्लेन चला गया तो माइनस आई है केवल, तो बाद में आएगा। वन तो लिस्ट हो गया, वन लिस्ट हो गया तो इससे आंसर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तब दो आंसर हो सकता था, बी एंड सी। तो एग्जाम में जब तुम्हें देखना होगा कि ये मालूम चल गया वन लिस्ट है, नहीं नहीं फाइव करता खत्म करता फाइव, फाइव में क्या हो जाएगा? माइनस आई है और ए में तो कुछ भी नहीं है, तो फाइव इज ग्रेटर देन वन ना, टू थ्री फोर में माइनस एम है, तो किस में ज्यादा माइनस एम होगा? हाँ तो आंसर कैसे चेक करना, पहले वन तुम्हें मालूम चल गया कि लिस्ट है क्योंकि उसमें प्लस ग्रुप है सब, राइट, प्लस आई प्लस आई, फिफ्थ वाले में तो माइनस आई भी है, तो वन आ गया, तो फिर वन से तुम चले जाना ऑप्शन बी और सी में से कोई होगा, तो फोर और टू बस देख लो तो मालूम चल जाएगा, फोर या टू, तो बाकी से बच जाओगे ना। तो फोर और टू में कौन सा ज्यादा होगा? टू में देखोगे तो दो मिथाइल ग्रुप है जो प्लस एच देंगे, और फोर में क्या है? ओनली माइनस है, टू एंड फोर दोनों माइनस एम है, बट टू में एक एडिशनल दो प्लस एच पड़ गया है, तो रेस्पेक्टिवली फोर ग्रेटर देन टू ना, तो फोर हाईएस्ट चला गया फिर, तो ऑप्शन से तुम्हें बस इतना ही चेक करना पड़ा। तो पूरा कभी भी ऑर्गेनिक में कैलकुलेट करके आंसर नहीं मैच करते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं, लिस्ट पकड़ में आ गया, मोस्ट पकड़ में आ गया, कई बार तुम्हें एक सही आंसर मालूम चल जाएगा। हाँ पिक्रिक एसिड तीन एनओ टू रहेगा तो ओएच के आजू बाजू, टू फोर सिक्स, एसआईआर से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, किसका? बेंजोइक एसिड का एसआईआर से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, SIR, मतलब आदित्य कोई SIR से कुछ भी हो सकता है, कैसा है? जैसे फिफ्थ में देखोगे तो NO2 का SIR है, NO2 आउट ऑफ प्लेन चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया तो स्टेबिलिटी मतलब माइनस एम दे ही नहीं पाए, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया वहां, बट वही बेंजोइक एसिड को SIR मिले तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। SIR से कहां पे क्या आएगा वो चेक करोगे, कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट इसका नहीं है। हाँ तभी ये क्लियर हो गया, कैसे हो गया? और थ्री एंड फोर में तो पहले ही से बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्सटेंस है वो देंगे ही, सेकंड वाले में, थर्ड में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो लेस एसिडिक होता है, फोर्थ वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है तो मोर एसिडिक होता है, तो ये तो आएगा ही, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल आईआईटी एग्जाम में कई बार आया हुआ, मतलब तुम सिर्फ जो चैप्टर वाइज मैंने बताया था ना 41 ईयर्स आईआईटी जेई चैप्टर वाइज, तो उसका जीओसी केवल कर लो तो तुम्हें इस बार जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछेंगे क्लासेस में देखोगे सब उसी से, एडवांस भी सब उसी से, वो इसलिए कि एग्जाम का आईटी के एग्जाम का जो भी देखो सब उसी से लिखेगा तुम, ठीक है? ओके चलो अब यहाँ से रेस्ट डिस्कशन हम लोग बाद में करते हैं, थोड़ा सा इस पे मेहनत करना। व्हाई कैन नॉट आंसर बी द बी? इतना कौन सा बोल रहे हो तो आंसर तुमने अभी भेजा, दिख नहीं रहा, जब पहले भेजा था अभी शायद क्लियर हो गया होगा, जब क्या होगा तो जीओसी बहुत मजेदार है, मगर उसी के लिए जो जिनको सब याद है ये प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट प्लस आई माइनस आई, तो जीओसी नहीं, जीओसी है तो आगे सब समझ में आया, नहीं तो गया सब जीरो।